हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ वो है उपोलदा, एक छोटा सा विलेज वेस्ट मिदनापुर का। ये मेरा इन लॉज का जगह है, मेरा भी है। दिस इज़ फेमस फॉर फ्लावर, यू कैन सी। जहाँ भी नज़र जाए, जहाँ तक जिस तक नज़र जाए, सिर्फ फ्लावर्स एंड फ्लावर्स। ये मेरी ननद और ये मेरे देवर। ये रास्ता मेरे ससुराल की तरफ जाता है। अब चलिए हम लोग इस गार्डन की तरफ जाते हैं। सी यू सून। हम लोग आ गए हैं, आप देख सकते हो बहुत नज़दीक से कितने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं। इट लुक्स जैसे हम लोग कहीं स्वर्ग पे आ गए हैं। हाँ, फोटो हो गई। दे आर स्पीकिंग टू अस। फुले पूरा बागान। अब आगे जाएंगे हम लोग, फिर मिलते हैं। ये देखिए, इसमें भी टमाटर है, ये रेडिश भी है। देखिए यहाँ पर ऐसे ही लगाया हुआ है सारे चीजें। सरसों भी है। ये फ्लावर चुनने के काम पे सब लगे हुए हैं। इसके फिर गार्लैंड बनेंगे जो आप लोगों को दुकान में मिलता है। कैबेज भी लगाया हुआ है देखिए। इस साइड पे फ्लावर और बीच बीच में कुछ वेजिटेबल्स भी। जहाँ भी नजर जाए पूरा फ्लावर्स ही फ्लावर्स। चलने का रास्ता बिल्कुल नैरो है, सो आई हैव टू टेक केयर। बिल्कुल नैरो। हाँ,
फिर से वही नजारा। सिर्फ फ्लावर्स एंड फ्लावर्स। चलने का जगह बहुत ही नैरो है, इसलिए बहुत सावधानी के साथ हम लोगों को स्टेप रखना पड़ रहा है ताकि पौधे का नुकसान भी ना हो और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चल पाए बीच में से। देखिए एकदम नैरो सा रास्ता है, इसमें चलना, वो भी भीगा हुआ है, मिट्टी बिल्कुल भीगा हुआ है और स्लिपरी भी है। दैट्स व्हाई ये जगह थोड़ा सा चौड़ा है। फूल चुनने का काम चल रहा है, पूरा दिन ये लोग अपना फूल चुनते हैं, फिर शाम में जाकर घर में इसका माला बनता है। फिर एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग ये लोग जाते हैं मार्केट में इसके सेलिंग के लिए। देखिए ये फ्लावर्स चुन के पाइल किया हुआ है, यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। ये देखिए ये लोग फ्लावर्स चुन रहे हैं और यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है इसको। वाइड एंगल में देखिए, वाइड एंगल में नजारा। जहां तक नजर जा रहा है सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स। বাসন্তীটা কি তোর ঘরে না কার ঘরে ওটাও পুরোটা দিচ্ছিস তিনটা না একবারে আমার দিদার বাড়িতে আমার তারপর একটা পড়ে যেত এটা মেজে যেত এটা মো এবার সেই ধারটা ये जॉइंट फैमिली का बिजनेस है। इधर फोटो सेशन चल रहा है, ये फोटोग्राफर हमारा और ये फोटो सेशन के लिए सब बच्चे, ये सारे हमारे परिवार के बच्चे हैं। ये और एक बार वाइड एंगल से ये मिर्ची लगाया हुआ है, मिर्ची का पौधे। इधर ये सरसों ना, ये सरसों सरसों हो गया शायद, ये अभी सूखने के लिए रखा है। काट लिया? हाँ काट लिया, सूखने के लिए रखा है। ये देखिए ये बीच बीच में रेडिश लगाया है, साइड में से लगाया है। साइड में फिर से आपको दिखाते हैं, जैसे बॉर्डर लाइन बनाया है रेडिश का पौधे से, बॉर्डर लाइन बनाया है। देखिए कितना मोटा है ये। यहाँ बहुत सारा मिर्ची भी हुआ है, देखिए
इधर मिर्ची भी हुआ है। ये क्या है? आलू। ये पोटैटो आलू लगाया हुआ है यहाँ पर। यहाँ देखिए कैबेज भी लगाया है, सारे सब्जी भी हैं ये लाइन से। कैबेज, उसके बगल में मिर्ची, उस साइड पे सरसों, रेडिश बीच बीच में, ये आलू, हाँ दिखाया, और बाकी जो बचता है उसमें सिर्फ फ्लावर्स एंड फ्लावर्स। और यहाँ सिर्फ मेरीगोल्ड ही ज़्यादातर उगता है, रोजेस भी होता है और भी एस्टर भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा इस गांव से थोड़ा सा दूरी में है। वो हो सके तो हम दिखाएंगे, लेकिन टाइम मिलेगा कि नहीं पता नहीं है। यहाँ रास्ता बहुत ही नैरो है, लेकिन पहले से कुछ चौड़ा है ज़्यादा। ये मैं अकेले चल सकती हूँ इस रास्ते से, इससे भी नैरो है। हमने जहाँ पर पाइलिंग अप हो रहा है वहीं जा रहे हैं। ये देखिए पाइलिंग अप हो गया है, एक बस्ता रेडी हो गया है, ये अभी ले जा रहे हैं। ओए मापा, देखिए रेडी हो गया है, एक बस्ता रेडी हो गया है, ये अभी ये लोग घर पे लेकर जाएंगे, फिर इसका गार्लैंड बनेगा, फिर ये देखिए एक बस्ता बिछाएंगे, ये बस्ता फिर से रखेंगे यहाँ पर, फिर ये जो बस्ता है ये रखेगा यहाँ पर, फिर इस पर कलेक्ट होगा फ्लावर्स। एक बार वाइड एंगल में ऊपर से इसका नजारा एक बार। अब हम लोग फिर से जाएंगे ऊपर, उसके बाद मिलते हैं। ना मोटामुटी बहुत सनहरो चलने का जगह बनाया गया है, जिसको हम बंगाली में आल बोलते हैं। सामने आछे ज्यादा ज्यादा जमीन आछे, सबाई चाष करछे। ये देखिए फ्लावर कलेक्शन चल रहा है, इधर भी आप देख रहे हैं एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है फ्लावर्स को। आते हैं हम वही কুকুর তো এখানে এখানে নদী হইতো, নদীর চর নদীটা এখন ছোট হয়ে গেছে, জল কম হয়ে গেছে। यहां फ्लावर चुन के रखे जाएंगे, चुना चल रहा है काम। एक्चुअली दिस इज अ रिवर बेड।
बारिश के मौसम में ये खड़ा रहता है, फिर जैसे पानी बह जाता है, सूख जाता है, उसके बाद ये फ्लावर्स लगाया जाता है। ये देखिए, शी इज कलेक्टिंग फ्लावर्स। ये देखिए रखा हुआ है झूड़ी पे फूल चुन के। हाय, देखिए कितना सुंदर से प्यार से ये फूल चुन रहे हैं, अपने हाथ से लगाया हुआ है। मेरा हस्बैंड वीडियो कॉलिंग में मेरी माँ को ये नज़ारा दिखा रहे हैं, साथ ही में सबके साथ बात भी कर रहे हैं। ये देखिए हम लोग अभी वापस जा रहे हैं, इस साइड पे फ्लावर्स और इस साइड पे थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल। ये रिवर बेड है, बरसात के टाइम पे ये पूरा भरा रहता है, फिर जैसे बरसात ख़त्म हो जाता है, पानी सूख जाता है, तो उसके बाद ऐसे फ्लावर्स लगाया जाता है। ओके, अभी हम लोग इस जगह से, ये खतरनाक जगह से चढ़ेंगे, तो इसीलिए हम थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे। देखिए दिखा देते हैं हम कितना खतरनाक जगह है, जिससे चलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये देखिए ऐसे जाते हुए, वन टाइप ऑफ ट्रेकिंग, ये इधर से जाते हुए उधर से चढ़ेंगे हम लोग, उस ऊपर में, ऊपर में वहीं चढ़ेंगे हम लोग। ऊपर चढ़ के हम लोग बात करते हैं। सुबह जो फूल कलेक्ट किया गया था, इस तरह से माला बन रहा है, फिर सुबह ये मार्केट में जाएगा सेलिंग के लिए। दिस इज द प्रोसीड्योर, दे आर मेकिंग गार्लैंड्स। अर्ली इन द मॉर्निंग दे विल गो टू द मार्केट टू सेल। ऐसे करके ये फूल माला को टांगे हुए रखते हैं, फिर सुबह सुबह मार्केट में ये सेलिंग के लिए जाता है। ऐसे करके यहाँ पर भी बिछाया हुआ है, इस बैग में भर के ये लिया जाता है। दिस आर द गार्लैंड्स विच यू बाय फ्रॉम द मार्केट। इस रास्ते से एकदम हम लोग ऊपर चढ़े हैं, जो कि रास्ता ही नहीं है। मेरा तो दम छूट गया अभी, तो ठीक है, बाद में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड गुड बाय, टाटा बाय।